होशंगाबाद जनपद पंचायत सभागृह में महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रामीण एवं शहरी योजना अंतर्गत PCPNDT एक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। शौर्य दल सदस्यों से समाज की विभिन्न समस्याओं का तथा गर्भवती महिलाओं, कुपोषण, एनीमिया, बाल विवाह आदि विषयों पर भी संगठित होकर समस्याओं का समाधान करना है। मई स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि द्वारा बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए उक्त अभियान का आयोजन किया। जिले में अभियान अवधि में स्वास्थ्य विभाग की ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर बच्चों के स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की जानकारी दी गई। महिला सशक्तिकरण अधिकारी सतीश भार्गव ने उपस्थित सदस्यों को विभागीय योजना की जानकारी दी और उन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी से सहयोग करने हेतु आग्रह किया। आज बाल विकास परियोजना अधिकारी होशंगाबाद शहरी और ग्रामीण के प्रभारी श्री प्रमोद दौड़ साहब द्वारा होशंगाबाद विकास खंड के सभी शौर्य दल के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शौर्य दल ग्राम स्तर पर एक जिम्मेदारी इकाई, शासन ने भी इनकी जिम्मेदारियाँ तय की हैं और उन्हें शौर्य दल के सदस्यों को ग्राम स्तर पर, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, पास्को एक्ट हो, लाड़ो अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी के सफल क्रियान्वयन में शौर्य दल के सदस्यों की क्या जिम्मेदारी है उससे उन्हें अवगत कराया गया है और वह लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या पर इस प्रकार के प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। तो उनकी समस्याएं जो आ रही है उन्होंने हमें अवगत कराया है। जो मूल रूप से PCPNDT एक्ट के ऊपर हमारी कार्यशाला हमने आयोजित की थी, जिसमें हमने मुख्य रूप से शौर्य दल सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANMs को आमंत्रित किया था और इसके साथ में हमारे साथ और भी संजय अग्रवाल साहब हैं एडवोकेट, जो कि कानून के जानकार हैं और उस विषय में विशेष जानकारी रखते हैं, और आदरणीय जिला सशक्तिकरण अधिकारी महोदय, आपके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला आज हमने आयोजित की है ताकि कानून के विषय में जो लिंग भ्रूण जांच है उसके विषय में समाज में जागरूकता है और जो ये जो ऐसा कृत्य है जो सभी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इसको रोका जा सके।